नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। कहीं आपके घर में भी तो नहीं है काला जादू? कई बार लाख मेहनत करने के बावजूद हमें कामों में सफलता नहीं मिलती, तब व्यक्ति के मन में डर आता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। आखिर बनते बनते काम बिगड़ क्यों जा रहे हैं? लाख मेहनत करने पर, सब कुछ सही होने पर भी काम अचानक से बिगड़ जाता है। ऐसे में यदि आपको भी लगता है कि आपके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, तो आप कुछ लक्षणों से पहचान सकते हैं कि आखिर काला जादू हुआ है कि नहीं हुआ है। काला जादू होने पर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। वह हर समय डरा डरा रहता है, उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को मानसिक अवरोध महसूस होता है, उसे सांस लेने में परेशानी, बाहरीपन लगता है, तेज चलना, गले में खिंचाव, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले रंग के निशान, हृदय में भारीपन महसूस होना, पर्याप्त नींद न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना, इत्यादि बातें होती हैं। काला जादू से किसी के भी दिमाग को अपने वश में किया जा सकता है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कराया जाता है। आज के समय में काला जादू होता है नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि काला जादू एक तरीका होता है जिसमें दिमाग पर कंट्रोल किया जाता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की दिमाग को, बुद्धि को बांध दिया जाता है, उससे अपना काम निकलवाने और काम साधने के लिए इस विद्या का उपयोग किया जाता है। इसमें तंत्र विद्या आदि का उपयोग होता है। प्राचीन काल से ही इस विद्या का उपयोग होता रहा है दुश्मनों को बांधने के लिए। काला जादू में किसका उपयोग होता है? जानकारों की माना जाए तो काला जादू में मूठ कड़ी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने और टोटके आते हैं। लोग इसे तांत्रिक विद्या भी कहते हैं। हालांकि इसके अलावा कई ऐसे पारंपरिक अंधविश्वास और टोटके अंधविश्वास हैं जो लोक परंपरा से आते हैं, जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता, जिसके चलते ये शोध का विषय हो सकते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो धर्म का हिस्सा है और बहुत सी बातें समय के साथ साथ जुड़ती गई। काला जादू घर में होने के लक्षण। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर काला जादू है तो वह मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहता है। दिल की धड़कन बिना किसी कारण अचानक बढ़ जाती है। अगर आपके ऊपर काला जादू हुआ है तो आपका मन और मस्तिष्क में कमजोरी महसूस कर सकते हैं। रात को सोते समय भयानक सपने आते हैं। काले जादू से प्रभावित लोगों को अकेलापन पसंद आने लगता है, भूख प्यास नहीं लगती, अधिकांश बीमार रह सकते हैं। साथ ही घर में मौजूद तुलसी भी सूखने लगती है। काला जादू दूर करने के लिए वास्तु टिप्स। मंदिर में 1 रुपए का सिक्का, वास्तु शास्त्र के अनुसार 1 रुपए का सिक्का लेकर किसी भी मंदिर में जाएं, एक मुट्ठी चावल में रखकर अपनी समस्या बताकर चुपचाप मंदिर के एक कोने में रख दें। ऐसा करने से काला जादू जल्दी खत्म हो जाएगा। शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने एक चौकी बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखें और उस कलश पर केसर और स्वस्तिक बनाएं। केसर से स्वस्तिक बनाएं, उस पर 1 रुपए का सिक्का रखें। घर के दरवाजे पर घी का दीपक, रोज शाम को पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे के कोने पर घी का चौमुखा दीपक जलाएं और इस दीपक में 1 रुपए का सिक्का डालें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होगी, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और अगर किसी ने कुछ किया है जादू जैसी चीज, तो वह हट जाएगी। तंत्र मंत्र और काला जादू का चलन सदियों से चला आ रहा है। अक्सर इसके सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग की बातें सामने आती रही हैं। अमूमन काला जादू या तंत्र टोटके का प्रयोग अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए किया जाता है, साथ ही किसी को अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा सकता है। किसी पर अगर काला जादू या टोटका हुआ हो तो वह स्पष्ट हो जाता है, उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति पर टोने टोटके का प्रयोग किया गया है, काला जादू किया गया है, उस व्यक्ति का स्वयं पर काबू नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति अजीब हरकतें करने लगता है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण अचानक बीमार रहने लगे तो समझिए उस पर
काले जादू का असर है। घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मृत पक्षी आकर गिर जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इसे भी काले जादू का असर कहा जा सकता है। स्वभाव में अचानक परिवर्तन होने लगे, हर कार्य में खुद को सही बताने लगे, सही समझने लगे तो समझे उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हुआ है। अचानक से नौकरी या बिजनेस में मन न लगे, सभी कोशिश नाकाम हो तो यह भी काले जादू का असर हो सकता है। काले जादू के असर से व्यक्ति अकेले रहने लगता है, उसके नाखूनों का रंग काला हो सकता है और उसकी बुरे बुरे सपने आते, परेशान रहता है, भूख प्यास नहीं लगती और हर समय चिंता में पड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार होते होते उसे और भी तमाम सारी बीमारियां घेरने लगती हैं। वह परेशान होने लगता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, वह दुखी परेशान रहने लगता है। इसलिए इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा लगे कि आप पर काला जादू हो गया है, आपके घर पर ऐसा कुछ हुआ है तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें, घर में हमेशा सुगंध फैला कर रखें, अगरबत्ती धूप दीप जलाएं। शास्त्रों के अनुसार घर में पोछा लगाते समय सेंधा नमक का प्रयोग करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। अगर किसी व्यक्ति को नज़र भी लग गई है तो 3 लाल मिर्च सरसों के दाने के साथ उसकी नज़र उतार दें और किचन में लाल कपड़े में 1.25 किलो खड़ा नमक बांध कर एक कोने में रख दें ताकि बाहरी लोगों की नज़र न पड़े। ऐसे में घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी जाती रहती है। घर में ऐसे पौधे लगाएं जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आए, जैसे जेड मनी प्लांट, तुलसी का पौधा। और सबसे अच्छा आसान उपाय है कि रात को सोते समय 1 गिलास पानी में या लोटा में पानी भर लें और उसमें नमक डालकर सिरहाने के नीचे, अपने बेड के नीचे जहाँ सिर है उसी के नीचे रख दें और सुबह उठकर वह पानी कहीं चुपचाप गिरा आए। यह भी बहुत कारगर उपाय है। और हमेशा सोते समय हनुमान चालीसा, हनुमान जी की प्रार्थना, शक्ति के रूपों की प्रार्थना और देवी माता को याद करें, भगवान शिव को याद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको स्वस्थ रखें, ठीक रखें। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और दुर्गा देवी के मंत्र, सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भय पिसराय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, बार बार इस मंत्र का जाप करें तो भय आपका दूर हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा और आप परेशान नहीं होंगे। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।